दोस्तों, अगर आप भी महाराष्ट्र बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग महाराष्ट्र बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूँ कि महाराष्ट्र बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का फॉर्म निकल गया है, तो उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जो कि मैं पहले वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें इतना कमेंट आ रहा है उस वीडियो पे कि सर, क्या मैं भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हाँ, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग अलग स्टेट से हैं और अगर आपको भी महाराष्ट्र बॉयलर में फॉर्म को भरना है, तो इसमें एक टर्म कंडीशन रहता है जो अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन रहता है तो वह भी जान लीजिए। तो मैं बता दूं कि इसमें जो कंडीशन रहता है कि जैसे यह फॉर्म महाराष्ट्र का है और आप लोग किसी अदर स्टेट से आते हैं, अगर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपको अपने स्टेट से एक NOC लेना है। तो NOC अगर आप लोग अपने स्टेट से ले लेते हैं तो आप लोग इसमें फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको NOC मिल जाता है आपकी स्टेट से, तो आप लोग फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आप लोग अलग स्टेट से हैं और महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं, तो आपको NOC लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कंपनी वाला ही आपका एक्सपीरियंस बनाकर आपको दे देगा, उससे आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लेकिन आप लोग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं और अलग स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वहां से एक NOC बनवाना पड़ेगा, फिर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि कितना लोग यह भी कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर, यह फॉर्म को कोई है जुगाड़ तो आप लोग पास करवा दो। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो ऐसा किसी भी स्कैमर के साथ ना फंसे जो आपका पैसा लेकर एग्ज़ाम पास करवाने का झांसा दे रहा हो। क्योंकि यहाँ पर आप लोग फेसबुक पर भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी हमेशा ऐसा मैसेज आ रहा है कि जिसको एग्ज़ाम पास करना है बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का, वह कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड करें। तो ऐसा सभी लोग लिख के अपना पोस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग उन स्कैमर के पीछे ना पड़े, जिससे आपका समय भी बर्बाद होगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा। क्योंकि अगर आप लोग बॉयलर पे काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर खुद भरोसा रहना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम को पास कर लूँगा। बाकी सब स्कैमर का झमेले में आप लोग कभी मत पड़िएगा, या स्कैमर लोग आपका खाली पैसा लेते हैं और आपका समय बर्बाद करवा देते हैं, और प्रॉब्लम होने के बाद आपका साथ भी छोड़ देते हैं, जिससे आप लोग अकेले प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो यही है, आप लोग अपने मेहनत से बॉयलर का एग्ज़ाम पास कीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आप लोग को आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। बाकी यह वीडियो कैसा लगा है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।